वेलकम बैक दोस्तों, सैगेजेट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आप जो ज्योमेट्री देख रहे हो, ये हमारे एक व्यूअर है या हमारे सब्सक्राइबर है जो हमें हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं हमारे, तो उन्होंने भेजा हुआ है। उनका नाम है जंतु मन्ना और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये ज्योमेट्री बनाई है और हमने ये भेजी है क्योंकि मुझसे चाहते थे कि ये शेयर करके दिखा दें या इसमें कुछ इश्यूज है। तो मुझे नहीं मालूम आपने क्या बनाया, लेकिन दोस्तों जो भी है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने और काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है इन्होंने कर्व्स वगैरह को इसके अंदर। आप देख सकते हो इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करके, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको बहुत अच्छी ज्योमेट्री इन्होंने बना के दी है और काफ़ी अच्छा है ये। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने जो आपका जो है ये हमारे साथ शेयर किया इसको। और उसके बाद दोस्तों दूसरे हैं जो वाघेला है, उनका नाम है रजन वाघेला, आई थिंक योगेश वाघेला, सॉरी योगेश वाघेला नाम है इनका। और इन्होंने जो एक प्रेशर सेटिंग का कॉलेट बना के भेजा है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा है इन्होंने कि क्या चीज़ और क्या टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप समझ गए हो कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है या बनाना है। इसके पैरामीटर्स भी आपने परफेक्ट रखे हुए हैं। अगर आपको भी ये जानना है कैसे करना है तो आपने आप हमारे चैनल के ऊपर सेटिंग्स का जो एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने सेटिंग्स के डाले हुए हैं जो अभी तक कंप्लीट हुए हैं हमारे, और भी बाकी हैं तो वो उसके अंदर ऐड होते रहेंगे दोस्तों। तो आप जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत चीज़ें मिस करोगे अगर आप ज्वेलरी फील्ड में हो या रहनो सीखना चाहते हो तो। और उसके बाद इन्होंने जो और एक चीज़ उन्होंने बना के दी हुई है वो है रिंग की। तो ये नेटवर्क सरफेस से इन्होंने एक रिंग बनाई है और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ये भी समझा है कि किस तरीके से बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपने बनाया हुआ है दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो डिज़ाइंस वगैरह जो है हमसे शेयर की है, और आप ऐसे ही आप अपने डिज़ाइंस वगैरह शेयर करते रहिए हमारे साथ में। मैं आपको ये डिज़ाइंस मैं यहाँ पे अपने वीडियोस में शेयर करूँगा, और अगर कुछ है तो मतलब आपको कुछ सजेशंस की ज़रूरत है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा उसके अंदर। जैसे कि अभी आज मैं एक हमारे व्यूअर है उनका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर इन्होंने एक कॉलेट बनाया हुआ है, इसका जो डायमेंशन है ये 4.5 mm का है, और एक कॉलेट बनाने की कोशिश की इन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब बना दी है उन्होंने लेकिन कुछ ऐसी इरर या कुछ ऐसी रह गई है, और ये हमेशा आती रहती है क्योंकि ये बैड ऑब्जेक्ट बन चुका है आपका। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, आप एक्सप्लोर करोगे तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से है और अंदर का सरफेस काफ़ी तरीके से मतलब है ही नहीं। तो आप ये चीज़ अवॉइड करने के लिए और सिंपलीस्ट वे में आपको मैं ये कॉलेट कैसे बनाना है ये आज मैं आपको इसमें अंदर बताने वाला हूँ। और ये जो कॉलेट है जिन्होंने शेयर किया है उनका नाम है रजन दास। तो रजन दास जी, आपको आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा बनाया भी है, और ऑफकोर्स आप बना लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको और एक बहुत ईजी तरीका इसको बनाने का बता रहा हूँ मैं आपको। सो बाकी आपके सारे पैरामीटर्स मैं सिर्फ आपके ही फोकस रख रहा हूँ, और जो मैं अपने पैरामीटर्स कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस एकदम सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ मैं, और ये सबके लिए है दोस्तों। आप भी इसके अंदर से कुछ ना कुछ कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन नए सब्सक्राइबर्स को या नए जो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है उनको, और आप बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा जो वीडियो है आप मिस नहीं करोगे। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पैरामीटर्स ही है तो मैं सबसे पहले तो मैं 2D बना लेता हूँ आपके इसमें। तो जैसे कि आपने ये बनाया है ये मैंने कर लिया, इसके पॉइंट्स ऑन करता हूँ मैं, मतलब आपको ट्रेस करके कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं अभी रख रहा हूँ ठीक है। और इसको मैं ऑफसेट दे रहा हूँ, आपने जो दिया है ऑफसेट दिया है शायद 0.3 का, तो 0.3 बहुत पतला गेज हो जाएगा, तो मैं इसमें 0.5 का गेज ले रहा हूँ ताकि ये थोड़ा तरीके से आए। 0.5 का अंदर ऑफसेट बाद में करूँगा ठीक है। तो मैं अभी बाहर से ले रहा हूँ, और आपको मैं समझाना चाहूँगा इसमें कि मैं इसमें अभी आपका जो है ये मैं हाइड कर रहा हूँ
एक सेकंड, आपका मैंने एक्सप्लोर किया था, तो मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ, और मैंने आपका एक्सप्लोर किया था, तो ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ, मैं ये भी लॉक कर देता हूँ, ये डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं जब चाहिए तो पीन लूंगा और ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, रिवॉल्व, ठीक है, मेरा राउंड है, सर्कल है, तो रिवॉल्व कमांड से रिवॉल्व दूंगा और जीरो एंटर करके पूरा ये बना लिया मैंने, ठीक है। अब आपके जो ये है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इसको मैं ऊपर की साइड ले रहा हूँ, मतलब रोटेट करके मैं सीधा ये ऊपर की साइड ले लिया मैंने, और ये जो कर्व है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ और इसको भी हाइड कर रहा हूँ, 0.5 का ऑफसेट अंदर मारूंगा मैं जब बने ज्योमेट्री बन जाएंगी, और इसको मैं अभी क्रिएट यूवी कर्व करके अभी इसको फ्लैट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ क्रिएट यूवी कर्व, ठीक है, और मैं राइट क्लिक कर ली, तो ये देखिए ये मेरा बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से। क्रिएट यूवी करने के बाद मैं आपको 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालता हूँ और एक कर्व डाल देता हूँ यहाँ पे और लॉक कर देता हूँ इसको मैं, अरे कर्व और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 देता हूँ मैं, ताकि 6 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये और ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें आपका जो एक पार्ट है इसके डायमेंशन काउंट कर लेता हूं मैं, कि आपने ये किस हिसाब से डायमेंशन दिया है, तो ये 0.31 का दिया है, मतलब 0.5 का ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये नीचे के साइड में आपने 1 mm का दिया है, तो 0.5 और 1 mm यही देते हैं हम लोग, काम करता हूँ मैं 0.5 और इसी का स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ 1 mm का, ठीक है, और मैं यहाँ से एक इंटर से काम करके इसको ये ज्वाइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर देता हूँ ताकि ये क्लोज कर हो जाए, ठीक है, डिलीट कर दिया सर्कल्स को, ठीक है, एक बार हाइड कर देता हूँ, ताकि अब उसके बाद में ये जो कर्वेचर है ये आपका, इसकी थिकनेस में काउंट कर लेता हूँ क्या है, अपने 0.8 दिए, चलो मैं भी 0.8 ही देता हूँ, और बराबर बीच में जाएगी इसके, ठीक है, और ये काम करता हूँ इसकी जो स्टेप है वो 0.5 की दे देता हूँ मैं, ठीक है, और नीचे से हाइट जो है वो टोटल हाइट जो है मैं काउंट करता हूँ 1 mm के समय, काम करता हूँ इसको 1 mm के हाइट में काउंट कर लिया, और उसके बाद में ये 0.5 की है, इसको मैं ऑफसेट मारता हूँ 0.5 का, 0.7 का मारता हूँ, 0.7 का ऑफसेट, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ इस लाइन के साथ में, ठीक है, और आर्क है, एक आर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका ऑफसेट है 0.8 का, ओके, और ये मैं यहां से जॉइंट करके ट्रिम कर देता हूँ, और सॉलिड पार्ट बनाना है दोस्तों, इसलिए मैं क्लोज कर्व एक बना दिया मैंने, ओके, और आपका नीचे एक बेल्ट है जो है 0.8 का,
शायद 0.5 का है, 0.5 का है, 0.3 आई डोंट नो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 0.4 का है, तो मैं चलो 0.4 का एक, 0.4 और ये रेक्टेंगल डाल दिया मैंने यहाँ से यहाँ, इसको डिलीट कर देना, रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अब ये भी रेफरेंस कर, इसको भी हाइड कर देता हूँ मैं। अब मेरे पास ये ज्योमेट्री रेडी है। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं मतलब मैं 6 की करने की जरूरत है क्योंकि एरे मार्के भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सट्रूड करूंगा, आपने जो एक्सट्रूड किया है, हम लोगों ने 0.5 किया है, ठीक है, जो थिकनेस दे रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ अंदर के साइड -0.5 नीचे के साइड में, ठीक है, कर लिया मैंने। अब इसको मैं सॉलिड पॉइंट्स ऑन करके, आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हम लोग जो है 0.5 1 mm एक्चुअली, तो इसको मैं स्केल 1D करके 0.5 करना है मुझे, 0.25, ठीक है। और एक्चुअली क्या डबल हो गई, और ये है मेरा 1 mm दे रहे हैं, तो ये 0.5 देता हूँ, ठीक है। अभी आपका परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। इसको भी एक्सट्रूड करना है दोस्तों, ओके, ये नीचे के साइड में एक्सट्रूड, ठीक है। अब ये तीनों को ग्रुप, अब मैंने जो एक कर्व बनाया ले लिया मैंने, अब मैं ले रहा हूँ ये भी ऊपर के, भी हाइड कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको दूंगा फ्लो अलोंग सरफेस। अब यहाँ पे देना है प्लेन, ये क्लिक किया और यहाँ से यहाँ क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ये आया है लेकिन उल्टा आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और प्लेन अभी भी उल्टा आया है, कोई इशू नहीं, मैं इसको मिरर मार देता हूँ मैं, और इसको डिलीट, ये तरीका सही है, ये ऑटो वाला जो है उसमें प्रॉब्लम है। प्लेन या और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए आपका ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको अनग्रुप करके इसको एरे मारता हूँ 0 और 6, ये देखिए, और आपका ये स्टोन इसमें लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड में करके, ठीक है। अगर आपको लगा कि ये थोड़ा सा अंदर के साइड चाहिए या बाहर के साइड चाहिए, तो S3 मतलब S2 करके, मतलब स्केल 2D करके, क्योंकि हिस्ट्री ऑन है आपकी, ठीक है। अब थोड़ा अंदर ले लो, और उसके बाद में आप इसको फिर से फ्लो कर सकते हो, ये डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया मैंने, और इसको सिलेक्ट करके फ्लो, ठीक है, प्लेन आ गया, ठीक है। अब रिमूव ग्रुप करके इसको एरे मार दिया मैंने, सॉरी मूव हो गया, एरे मार दिया मैंने 6, इस तरीके से मेरा कॉलेट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इजिएस्ट वे में इसी तरीके से होगा, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मुझे फ्लो करने में दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लो कमांड से जो हम लोग देते हैं फ्लो अलोंग सरफेस वाली जो कमांड है, इसमें ये जो ऑटो एडजस्ट है ये राइनो 6 में है, तो ये ऑफ नो होना चाहिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता है, ये मैनेज नहीं करने देना, इसको मैं खुद ही करूँगा, इसको कहना है और उसी हिसाब से करना है, ईजी वे में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए। हैंडमेड का फैंसी कॉलेट है ये, हमें एक यूज़र ने बताया था कि इसके कैसे बनाएंगे, इसका मैंने वीडियो बना दिया, उन्होंने बना के भी दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको एक गाइडेंस के तौर पे एक नए तरीके से करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कि और आपको कुछ चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका चीज़ें बना के दूंगा। और कुछ है चीज़ें, किसी ने चेयर भेजी है मुझे बनाने के लिए, किसी ने
जो वुड के ऊपर कार्विंग होती है उसकी भी डिजाइन भेजी है, तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। और जो ट्विस्टेड वाला हार्ट है जो इससे पहले वाले वीडियो में है, तो वो भी मैं मतलब 30 प्लान में करके डालूंगा बहुत इजी वे में। सो दोस्तों देखते रहिए साइकिल चिड़िया। हम सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फिर आपको सारी चीजें आपको मिलेगी। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए साइकिल चिड़िया के ऊपर। बाय।